ग्रुप 15 में बेटा हमारे पास कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? हमारे पास है नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, राइट? अगर ये सारे ग्रुप 15 में है तो इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 NP3। नाउ कैन यू सी दे हैव P3 कॉन्फ़िगरेशन। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग कितने डाल सकते हैं? 6 डाल सकते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है बेटा? हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास प्रेजेंट है। वरुण को नजर आ रहा है बेटा वहां से? ठीक। तो अगर हाफ फिल्ड प्रेजेंट है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को कंपेयर करती हूँ ग्रुप 14 के एलिमेंट्स से। और अगर इस तरीके से मैं कंपेयर करूंगी तो मैं लेट्स से कंपेयर कर रही हूँ सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 विद आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15। हालांकि हमें पता है कि हम लेफ्ट से राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमारा साइज छोटा होता है, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एंड ऑफ कोर्स बढ़ेगी क्यों? एक तो ग्रुप 15 राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, और दूसरा ग्रुप 15 में क्या प्रेजेंट है बेटा? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वहां से क्या है? डिफिकल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 वुड बी हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 14। सिमिलरली अगर हम लोग कंपेयर करें लेट्स से ग्रुप 15 विद ग्रुप 16, तो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? ग्रुप 16 की ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन ग्रुप 16 से भी ज्यादा किसकी है? ग्रुप 15 की, बिकॉज द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ लेट्स से मैंने बेटा आपको सेकेंड पीरियड्स के एलिमेंट दिए, ध्यान से देखना मेरी बात, सुनना। हमारे पास है ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये हो गए मेरे ग्रुप 1, ग्रुप 2 एस ब्लॉक, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो ऑर्डर क्या होगा? ओके, तो इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं, सबसे पहले जब भी ऑर्डर लिखना होता है रूल नंबर 1, इंक्रीजिंग जेड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिखो। मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे जेड के हिसाब से बढ़ा दो, ठीक है? देन डू द एक्सचेंज प्रोसेस। कैसे करना है? आप फुली फिल्ड वालों को चेक करिए, बेरिलियम की क्या होती है बेटा? S2। बोरॉन क्या होगी? S2P1, 2S2 2P1, यही होगा। यहां पर अगर मैं आऊंगी तो 2S2 2P2, यहां मैं आऊंगी अभी मैंने बताया 2S2 2P3 आ जाएगा हमारे पास, इसके पास आएंगे 2S2 2P4 आ जाएगा। तो बेरिलियम और बोरॉन को एक्सचेंज किया जाएगा बेटा, सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया जाएगा, मतलब उनकी पोजीशन को स्वैप किया जाएगा। मतलब द रियल फर्स्ट आयनाइजेशन ऑर्डर वुड बी लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन, राइट? तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि हमसे पूछा जाता है ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 17 का। तो व्हाट वी थिंक इज, अरे ग्रुप 15 में तो हमारे पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी तो हाईएस्ट होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? बट ये गलत है। किसकी ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी? फ्लोरीन की। हाफ फिल्ड है तो 16 से ज्यादा होगी, 17 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 17 में क्या वर्क कर रहा है? जेड इफेक्टिव। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं आपको बोलती हूं इन सब का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर बताओ, मतलब आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मुझे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, राइट? अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम तरीका। फर्स्ट यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव एंड देन यू स्वैप व्हाट? बेरिलियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन। अब बेरिलियम बोरॉन को स्वैप करने का मतलब है वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम और बोरॉन से मिले, क्योंकि अब बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिथियम वाली हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम वाली हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, समझे बात को? तो हम जो एक्सचेंज करते हैं वो करते हैं बेरिलियम बोरॉन, मतलब अब हम लोग एक्सचेंज करेंगे वो एलिमेंट जिसकी बेरिलियम है और वो एलिमेंट जो बोरॉन है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन सब का एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और लिख देते हैं क्या क्या सिस्टम बन जाएगा मेरे पास। तो मैं बेरिलियम से शुरुआत करूंगी, बेरिलियम प्लस मेरा लिथियम जैसा हो जाएगा 2s1। बोरॉन से शुरुआत करती हूं तो बोरॉन मेरा बेरिलियम जैसा हो जाएगा 2s2, बोरॉन प्लस। कार्बन से शुरुआत करती तो कार्बन प्लस अब बोरॉन जैसा हो जाएगा 2s2 2p1, ठीक है। नाइट्रोजन से शुरुआत करूंगी, नाइट्रोजन प्लस अब किसके जैसे हो जाएगा, कार्बन जैसा हो जाएगा 2s2 2p2। ऑक्सीजन से शुरुआत करूंगी, ऑक्सीजन प्लस अब किसके जैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन के जैसे हो जाएगा, मतलब 2s2 2p3। और फ्लोरीन प्लस किसके जैसा हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के जैसा हो जाएगा 2s2 2p4। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? नाउ लेट देम गेट अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग जेड, बट देन आई हैव टू एक्सचेंज व्हाट, बेरिलियम एंड बोरॉन। तो बेरिलियम एंड बोरॉन मतलब बी एंड सी एक्सचेंज होगा। आई हैव टू एक्सचेंज व्हाट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आई एम गोइंग टू एक्सचेंज दिस। तो फाइनल ऑर्डर मेरे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या आएगा बेटा, बेरिलियम, देन मेरे पास कार्बन, देन बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन एंड देन ऑक्सीजन। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? लिथियम रुक जाओ, अभी मैंने लिथियम हटा दिया। क्यों? क्योंकि लिथियम से अगर मैंने इसके पास 2s1 था ना बेटा, अगर मैंने इसका ये उड़ा दिया तो ये क्या बन गया, हीलियम, नोबल गैस, तो हाईएस्ट ऑफ ऑल, बातें खत्म हो गई है ना। तो इसलिए आपने नोटिस करा है सेकंड मैंने बेरिलियम से लेना शुरू करा, मैंने लिथियम नहीं लिया क्योंकि लिथियम इज नाउ हीलियम, वो तो हाईएस्ट ऑफ ऑल ही रहेगा, ठीक है। ये बाकी एलिमेंट्स हमारे इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी सेकेंड आयोनाइजेशन, कंपेयर करूं ग्रुप 15 की विद ग्रुप 17, तो अभी भी ग्रुप 17 की आयोनाइजेशन एनर्जी 15 से ज्यादा ही आएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बट 16 की ज्यादा हो जाएगी किससे, 17 के साथ। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से सोचनी है। अब सवाल लेट्स से आपको बोल दे बेटा इन सब के कुछ एलिमेंट्स की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, देन फिर से इन सब से प्लस टू करके एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना, जेड इफेक्टिव की टर्म्स में अरेंज करना, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम है उसको बोरॉन वाले से रिप्लेस करना, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन है उसे नाइट्रोजन वाले से रिप्लेस करना। हमेशा यही होगा, अगर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो जस्ट एक बाद वाले से बढ़ती है, सबसे ज़्यादा नहीं बढ़ जाती, सबसे ज़्यादा सिर्फ किसकी होती है, नोबल गैसेस की। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट टिल नाउ? एनी डाउट? बात क्लियर? तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, हम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना आना चाहिए। हालांकि एग्जामिनर भी बहुत बोर हो चुका है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देके, तो अब वो फोकस करेगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पे, क्योंकि हर साल फर्स्ट 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 आता, तो अब थोड़ा सा इनोवेटिव करेंगे। वी विल गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ अगर इस सब में लिथियम को प्लेस करना है तो सबसे आगे प्लेस कर देना सेकेंड में, क्यों? क्योंकि लिथियम क्या बन चुका है बेटा, हीलियम। Is that clear till now? हम लोग अगर एटॉमिक रेडियाई पर आते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप स्मूथली इंक्रीज करेगा। Why? Because डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं बेटा, बढ़ने लगते हैं। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियाई स्मूथली क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। इसमें हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग अगर एनालाइज करोगे तो ग्रुप 13 की जब हम लोग बात कर रहे थे तो साइज में वेरिएशन आया था गैलियम एल्यूमिनियम के, है ना, और लास्ट में भी इंडियम थेलियम में भी वेरिएशन आया था। आप देख रहे हैं जैसे जैसे 14 और 15 पे पहुंचे वेरिएशन खत्म होने लग गया। क्यों? क्योंकि मैं डी ब्लॉक से क्या जाती जा रही हूँ, दूर जाती जा रही हूँ। शील्डिंग का इफेक्ट क्या होता रहेगा, साइज पे जो शील्डिंग का इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या होता रहेगा, मिनिमाइज होता रहेगा। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग, कैन आई रब दिस? नो, ठीक है। हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आदित्य बता सकते हैं इस एलिमेंट, इस ग्रुप का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। क्यों?
क्योंकि पी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है हर पी ब्लॉक में। तो यहां पर अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन वरुण कितने हैं, 3 + 2 = 5, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, +5। बात क्लियर। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का, माइनस। मतलब किसी का पूछ रही हूँ मैं, 15 का नहीं पूछ रही, किसी भी पी ब्लॉक का। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -8, तो वो कितना हुआ, +5 - 8 मतलब -3, ठीक। और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी ग्रुप का क्या होता है, हाईएस्ट -2, तो +5 - 2 कितना हुआ, +3। +3 - 2 कितना हुआ, +1। और +1 में से अगर आप -2 जाओगे तो आप नेगेटिव में चले जाओगे। तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट मैं पॉजिटिव की लिखती हूँ, इसलिए +3 और +1 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी ग्रुप 15 की अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आएंगी। बात क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट पर आते हैं। देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस की क्या है, 3s2 3p3। आर्सेनिक की क्या होगी, 4s2 4p3, लेकिन 4s के बाद 3d भरा जाता है, फिर 4p पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब अंदर क्या होगा, 3d10। क्लियर। आर्सेनिक के बाद हमारा है एंटीमनी, तो ये आ जाएगा बेटा 5s2 5p3, इसका मतलब अंदर 4d10 भी भरा रहेगा इसका। और अगर मैं बिस्मत पे आऊं तो बिस्मत में हमारे पास क्या होता है, 4f14 5d10 6s2 6p3, यही कॉन्फ़िगरेशन हुई। तो आप देख रहे हैं फास्फोरस के बाद जितने भी एलिमेंट्स नीचे हैं उनके वैलेंस शेल से अंदर आपके पास क्या आ गए हैं, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स। डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो आदित्य को शील्डिंग इफेक्ट पता है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट को, ये तुम लोगों को समझाना ही नहीं आता है, जब तुम समझाना नहीं सीखोगे तो खुद समझ नहीं पाओगे। मैंने कैसे समझाया था तुम्हें शील्डिंग इफेक्ट, जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच। आप ये मानो आपका जो न्यूक्लियस है वो बैट्समैन है, कल 26 जनवरी था ना, कल था 26 जनवरी, हाँ, तो कल इंडिया एक मैच जीती, किसी को कोई आइडिया है, कल मैच जीत गई ना, तो वही सोचेंगे ये हमारा बैट्समैन है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप, आज के बाद भूल मत जाना बेटा। डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल डंबल शेप, और एफ ऑर्बिटल ऑल कॉम्प्लेक्स होता है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 100 फील्डर्स हैं, तो फील्डर्स का काम क्या होता है, चौके छक्का मारने से रोकना, दैट इज व्हाट अ फील्डर इज डूइंग। सो दिस इज माय बैट्समैन एंड आई हैव अरेंज 100 फील्डर्स लाइक दिस, तो कहीं से भी चौका छक्का रोक ही जाएगा क्योंकि कोई ना कोई फील्डर तो प्रेजेंट रहेगा। आई हैव अरेंज 50 फील्डर्स हेयर, बट आई विल हैव 2 प्लेसेस जहां से चौका छक्का लग जाएगा। इफ आई अरेंज दिस वे, मतलब 25 इधर 25 इधर 25 इधर 25 इधर, अब कितनी जगह जहां से चौका छक्का लग सकता है, है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज को रोकना आउटसाइड इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंच ना पाए, रोकने का काम करना है मुझे। एस ऑर्बिटल बहुत अच्छे से रोक रहा है, पी ऑर्बिटल थोड़ा बेकार रोक रहा है क्योंकि दो जगह से चौका छक्का लग सकता है, डी और बेकार रोक रहा है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब पुअर कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा, जब पहुंच जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टाइटली हेल्ड हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए। हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से एस वाला पहले होगा, पी वाला थोड़ा बाद में आएगा, पहले एस होता है फिर पी होता है ना, एनर्जी वाइज देखा जाए तो। तो अब जैसे ही डी एफ इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे, ये न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज यहां पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाएगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, ये एस वाले इलेक्ट्रॉन जो है दे विल बी टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, हेंस आई विल नॉट बी एबल टू रिमूव दिस एस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं सिर्फ किसको रिमूव करूंगी,
पी के इलेक्ट्रॉन को। तो जब पी के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है पी में, तीन, तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होने लगेगा। प्लस फाइव कराना है तो एस को भी रोकना पड़, एस के निकालने पड़ेंगे, बट एस के निकल पाएंगे नहीं, समझ रहे हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हेंस देयर इज अ डिफिकल्टी इन रिमूविंग द एनएस इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज। So there will be difficulty in removing, there'll be difficulty in removing NS electrons, hence stability of plus stability of प्लस फाइव डिक्रीजेस एंड प्लस थ्री इंक्रीजेस। डू यू अंडरस्टैंड आर स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव डिक्रीजेस एंड प्लस थ्री इंक्रीजेस। यहां तक क्लियर होती है बात? चलिए, तो इसका मतलब भैया देखो, इन दोनों में नाइट्रोजन और फॉस्फरस में तो प्लस फाइव ही रहेगा क्योंकि इनमें तो डी आया नहीं है। तो जब डी आया नहीं तो काएगा पुअर शील्डिंग, जब पुअर शील्डिंग ही नहीं है तो पांचों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हाइएस्ट क्या रहेगा? प्लस फाइव। फॉस्फरस का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट क्या रहेगा? प्लस फाइव। लेकिन जैसे ही मैं आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में आऊंगी, प्लस फाइव प्लस थ्री, प्लस फाइव प्लस थ्री, प्लस फाइव प्लस थ्री, तीनों आने लगेंगे पिक्चर में। तो आर्सेनिक के लिए भैया प्लस फाइव प्लस थ्री, एंटीमनी के लिए भी प्लस फाइव प्लस थ्री, बिस्मथ के लिए भी प्लस फाइव प्लस थ्री। बट अगर मैं आर्सेनिक फाइव, एंटीमनी फाइव और बिस्मथ फाइव की बात करूं, आर्सेनिक थ्री, एंटीमनी थ्री और बिस्मथ थ्री की बात करूं, तो मैंने बोला डाउन द ग्रुप प्लस थ्री क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब आर्सेनिक थ्री कम होगा, स्टेबल, एंटीमनी थ्री थोड़ा ज्यादा, बिस्मथ सबसे ज्यादा। और प्लस फाइव क्या होगा? घटेगा। मतलब आर्सेनिक फाइव सबसे ज्यादा, एंटीमनी फाइव कम और बिस्मथ फाइव कम। ठीक है बेटा, दो सवाल आ सकते हैं। एक सवाल इस सेंस में पूछा जाए कि किन किन के लिए प्लस फाइव स्टेबल होगा और किन किन के लिए प्लस थ्री स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन आता है स्टेबिलिटी का तो आप इन तीनों में आराम से कंपेयर कर सकते हो यूजिंग दिस डेटा। आर्सेनिक के लिए कौन सा स्टेबल होना है? प्लस फाइव, इसके लिए दोनों स्टेबल होंगे। और बिस्मथ के लिए सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? प्लस थ्री। बात क्लियर? बट अगर ये आए सवाल कि कहां से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट पिक्चर में आएगी, तो वो पिक्चर में आएगी आर्सेनिक से। नाइट्रोजन और फास्फोरस में कोई भी प्लस थ्री एग्जिस्ट नहीं करे, हालांकि कर सकता है बट नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करेगा। यही हो रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट में, है ना? ठीक है, तो अगर आप मैडम ऐसा कह रहे हो कि नाइट्रोजन में प्लस थ्री एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, टेक्निकली क्यों क्यों नहीं करना चाहिए प्लस थ्री एग्जिस्ट? क्योंकि डी नहीं है, डी नहीं है तो काय का पुअर शील्डिंग, जब पुअर शील्डिंग नहीं है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहनी चाहिए ना। तो अब जरा अपनी नॉलेज चेक करो ध्यान से, ऑल द आईज ऑन द बोर्ड। नाइट्रोजन में प्लस फाइव रहता है, अभी डिस्कस किया, ये बनेगा, ये नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता, हालांकि है तो नाइट्रोजन पे क्या? प्लस फाइव। तो ये पूछ सकते हैं ना कि एन F5 has a oxidation state of plus 5 on nitrogen, but it does not exist. Why? दो नाइट्रोजन के लिए प्लस फाइव स्टेबल है पर एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड फाइव, बियॉन्ड फोर, चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये नहीं बनेगा। सिमिलरली NCl5 भी नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो इस पर प्लस फाइव कैसे आएगा? नहीं बन सकता ये सब कंपाउंड, तो नाइट्रोजन पे प्लस फाइव फिर कैसे आएगा? कैसे?
हाँ हाँ तो कैसे आएगा, कौन से कंपाउंड में प्लस फाइव आ सकता है? HNO3। नाइट्रोजन है नहीं प्लस फाइव, है नहीं है, तो नाइट्रोजन पे प्लस फाइव आ सकता है, बट नाइट्रोजन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपसे देखो ना, एक सिंपल सा ट्विस्ट कैसे होगा सवाल में, हम बोलेंगे नाइट्रोजन के लिए प्लस फाइव स्टेबल है, फिर हम बोलेंगे NF5 NCl5 नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि पांच बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता, तो उस पर प्लस फाइव आएगा कैसे? उस पर प्लस फाइव आना ही नहीं चाहिए, पर आ सकता है। देखिए आया HNO3 में, बनेगा चार बॉन्ड ही, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस फाइव। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ठीक है बेटा प्लस फाइव आ गया इस तरीके से, बट हेलाइड्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, हेलाइड्स की बात कर रही हूं मैं, नाइट्रोजन हेलाइड, तो नाइट्रोजन कौन से हेलाइड्स बना सकता है? NF5 नहीं बना सकता, NCl5 नहीं बना सकता, NF3 बना सकता है? हाँ बना सकता है। NF3 बना सकता है? हाँ बना सकता है। NCl3 बना सकता है? हाँ बना सकता है। क्यों बनाएगा? क्योंकि तीन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके चक्कर में इस पे तो प्लस थ्री आएगा, प्लस थ्री आया नहीं आया, और हमने क्या बोला, नाइट्रोजन पे प्लस थ्री एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता। ये क्या हो गया बट? यही तो है केमिस्ट्री, इधर से चलते कुछ और, इधर से चलते कुछ और। तो अब क्या हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो आप बोलेंगे हाँ ये बन सकते हैं, तो अगर ये बन सकते हैं तो नाइट्रोजन पे प्लस थ्री आ रहा है, और हमने तो यहाँ नाइट्रोजन का प्लस थ्री लिखा ही नहीं, हमने तो बोला नाइट्रोजन और फॉस्फरस के सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेंगे, प्लस फाइव एग्जिस्ट करेंगे, है ना, तो प्लस थ्री क्यों हो रहा है इसमें? तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाते हैं ना, नाइट्रोजन का हाईएस्ट थोड़ी है प्लस थ्री, क्यों हो रहा है? सुनिए यहाँ पे, नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3 है नहीं है, तो p पे तीन इलेक्ट्रॉन्स है ना, s तो फिल्ड है, हाँ है ना, तो अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, सिर्फ ये तीन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना, इससे तो कोऑर्डिनेट ही बन सकता है, अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना, ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो प्लस थ्री नहीं आएगा, आएगा? तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नाइट्रोजन पे प्लस थ्री नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन स्टेबल उसका कौन सा रहेगा? प्लस फाइव। बट आप इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये बनेगा नहीं, तो आप किसको कंपेयर करोगे? ध्यान से सुनना, HNO3 HNO2 को कंपेयर करूंगी मैं, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन के चार चार बॉन्ड है, और एक में नाइट्रोजन प्लस फाइव है, एक में नाइट्रोजन प्लस थ्री है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? प्लस फाइव। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मतलब जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ें तो सबसे पहले आप एक चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते, आपको बहुत सारी चीजें समझनी होती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस पे प्लस फाइव ही होना चाहिए, प्लस थ्री नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तीन ही इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर होकर इन पर प्लस तीन दे सकते हैं, तो ये प्लस थ्री भी शो कर सकता है। बट अगर एक ही कंपाउंड में, एक ही जैसे कंपाउंड में वो प्लस फाइव और प्लस थ्री शो कर रहा है, तो प्लस फाइव उसका ज्यादा स्टेबल होगा प्लस थ्री से। इससे ना मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हूं, ना मैं वैलेंसी वाले रूल को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हूं, ना मैं उसके बॉन्ड चार से ज्यादा बना रही हूं। बात क्लियर हुई सबको, हाँ या ना? तो अगर एक एसर्शन और रीजन टाइप सुनो, अगर ये एसर्शन में लिखा रहे नाइट्रोजन विल नॉट शो प्लस थ्री बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो विल दिस स्टेटमेंट बी ट्रू और फॉल्स? नाइट्रोजन विल नॉट शो प्लस थ्री बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी? कितने कहते हैं ट्रू? रिपीट कर देती हूँ, नाइट्रोजन विल नॉट शो प्लस थ्री बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या क्या बोला ये, क्या है, ट्रू है फॉल्स? ट्रू। कौन कह रहे हैं ट्रू? शान से हाथ खड़ा करो, और ऊंचा दिखता नहीं है मेरे को, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे। कौन कह रहा है फॉल्स? 1, 2, यही दो बच्चे अच्छे हैं, वेरी गुड। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे ऑपरेट होता है, ऊपर नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, वो प्लस थ्री शो करते हैं।
दी नहीं है, तो इनर पेयर इफेक्ट कहाँ वैलिड हुआ? फॉल्स ही तो हुई। इनर पेयर इफेक्ट उस पर वैलिड है? नहीं, इनर पेयर इफेक्ट तो यहां से वैलिड है ना बेटा। इनर पेयर इफेक्ट ये कहता है कि डी की वजह से प्लस थ्री बढ़ेगा, तो उसमें डी है तो काई की वजह से। डू यू अंडरस्टैंड? इनर पेयर इफेक्ट लगा यहां पे? नहीं लगा, नहीं लगा। ठीक, दूसरी चीज, प्लस थ्री शो करा, कहां गया? करा। ठीक है, अब मैं ये बोलू नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हैज नाइट्रोजन इन प्लस फाइव, हेंस इट इज मोर स्टेबल देन प्लस थ्री। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? हाउ मेनी सेज ट्रू? ट्रू। नाइट्रस एसिड हैज प्लस थ्री, नाइट्रिक एसिड एंड प्लस फाइव, नाइट्रिक एसिड इज मोर स्टेबल देन प्लस थ्री। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन चाहेगा अपने पांच निकालना, प्रेफरेबली पांच निकालना, क्योंकि वो उसकी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बात क्लियर होती जा रही है? बात समझ आई? NF5 does not exist even if nitrogen is in plus 5. True. Why? Because nitrogen cannot expand its covalency beyond 5. NF3 exists. Yes. Why? Because nitrogen is forming three bonds, which is possible. Three bonds तो बना सकता है, एक lone pair भी रख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये सारी चीजें समझ आ गई हमें। अब यही चीज अपन लोग फास्फोरस के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है? हाँ जी। नहीं, मैंने कहा बोला अनस्टेबल है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी हमेशा किसी के कंपैरिजन में होता है ना, तो किससे कंपेयर कर रही है? इन दोनों को कंपेयर करेगी तो NF3 ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं, प्लस थ्री तो है, बट इसका प्लस फाइव बन सकता है क्या? बन नहीं सकता ना, तो ऑप्शन है उस पर। तो यहाँ तो ऑप्शन था ना कि प्लस फाइव बन सकता, तो प्लस फाइव ज्यादा स्टेबल है ना। बट इट डज नॉट मीन ना HNO2 बनता नहीं है, हालांकि कितना स्टेबल एसिड होता है, बट स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हमेशा किसी का कंपैरिजन में होगा, बिना कंपैरिजन के अपन लोग नहीं बोल सकते, है ना। चलिए फॉस्फोरस पे चलते हैं। नाइट्रोजन के साथ दिक्कत थी कि वो पांच बॉन्ड नहीं बना सकता था, बट फॉस्फोरस के साथ क्या ये दिक्कत है कि वो पांच बॉन्ड नहीं बना सकता? तो बना सकता पांच बॉन्ड, इसका मतलब PF5 एग्जिस्ट करेगा, PF3 भी एग्जिस्ट करेगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, PF5 या PF3? NF5 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके लिए तो है ही यही ना, तो इसको मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती ना स्टेबिलिटी में। कर सकती कंपेयर? किससे कंपेयर करूँ? है कोई इसके ऊपर? अकेला यही है, लेकिन यहां तो इसके ऊपर है ना PF5, तो PF5 ज्यादा स्टेबल होगा या PF3 ज्यादा स्टेबल होगा? PF5, शाबाश, PF5 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फास्फोरस चाहेगा प्लस 5 में रहना, उसके लिए प्लस 3 में आना कोई मजबूरी नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन के लिए मजबूरी है क्योंकि वो तीन बॉन्ड ही बना सकता है, फास्फोरस के लिए कोई मजबूरी नहीं है, वो चाहेगा मैं PF5 रहूं। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो PCl5 ज्यादा स्टेबल रहेगा या PCl3? PCl5। गलत जवाब, PCl3। क्यों? देखिए जरा, PCl5 sp3d हाइब्रिडाइज होगा और PCl3 sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये sp3, ये sp3d, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते क्या है? अरे अब यहां तक पहुंच गई मैं, तब भी नहीं बता पा रहे। ये L1, ये L2, L1 बड़ा होता है L2 से। इन PCl5 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। व्हाई? विच लोन पेयर कहा है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये बच्चे मेरे, उल्टी। फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में देखिए, ये जो एक्सियल बॉन्ड है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इसके बीच का एंगल कितना है? 90, ठीक है। जो एक्सियल बॉन्ड्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
सिमिलरली इसके भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबल ज्योमेट्री तब होता है जब उसके बॉन्ड का एंगल एटलीस्ट 90 से बड़ा हो, है ना। 90 में तो रिपल्शन रहेगी बॉन्ड पेयर के बीच में, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि लोन पेयर जो है पास पास है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना कम है तो इनके बीच में रिपल्शन रहती है। अब ये सी एल ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा नहीं सकता क्योंकि अगर ये इधर गिरेगा तो इस वाले सी एल से जो 90 का एंगल है वो छोटा हो जाएगा, इधर गिरेगा तो यहाँ से छोटा हो जाएगा, रिपल्शन मैक्सिमाइज होती जाएंगी, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको एकदम जो इक्वेटोरियल बॉन्स से 90 पे ही रहना पड़ेगा। बट 90 पे रहेगा तो रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब ये लंबा होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, रिपल्शन कैन बी मिनिमाइज। तो इन PCl5 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड देयरफॉर PCl5 इजिली ब्रेक्स टू गिव मी PCl3 प्लस PCl2। दिस रिएक्शन इज द एविडेंस ऑफ द फैक्ट PCl3 इज मोर स्टेबल देन PCl5। तो PCl5 और PCl3 की स्टेबिलिटी में कहीं पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल नहीं है। यहाँ रोल ये है कि एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होने के कारण मजबूरी में टूटते हैं, जब टूटते हैं तो दोनों ही टूटेंगे और कंपाउंड क्या बन जाएगा, PCl3। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ मैडम ये इधर ही क्यों होता है, ये इधर क्यों नहीं होता, F5 में भी तो यही है। हाँ अब आई ना, बट फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पहले ही फ्लोरीन की तरफ है, इनके बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ ज्यादा होने के कारण PF5 स्टेबल रहता है कंपेयर टू PF3। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस शुड नॉट बी गॉन आउट एनी हाउ, ये दिमाग में रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। PF5 ज्यादा स्टेबल है बट PCl5 लेस स्टेबल है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, श्योर? PF5 और PCl5, हाँ, तो PF5 और PCl5 में कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी, बताओ कौन ज्यादा होगा। लॉजिक अभी बताया, PF5 स्टेबल है ही नहीं, टूट जाता है तो ऑब्वियसली PF5 ही होगा ना, PCl5 स्टेबल नहीं है तो PF5 ही होगा। दूसरा रीजन ये समझ लो, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड आराम से टूटेगा, तो PF5 का टूटेगा आराम से, PCl5 का टूटेगा PF5 से ऑब्वियसली, तो PF5 ज़्यादा स्टेबल होगा PCl5 से। समझ रहे बात को, कोई डाउट, यहाँ तक बात क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइट्स, फॉस्फरस कैन शो +5, कैन शो +3 ऑल्सो, हेलाइट्स में स्टेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है और किस किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है, यहाँ तक क्लियर हो गया? फॉस्फरस के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर ये नोट कर लिया है तो सिर्फ बोर्ड पे देखना, रब कर दूं, मैं +5 की ही बात कर रही हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात कर रही हूं। PF5 बनता है भैया, PCl5 भी बनता है, PBr5, PI5, एक इसको समझाने का सिंपल सा तरीका, जो हम PCl5 से लेके चल रहे थे, हमें पता है PCl5 अनस्टेबल है, कैसे समझाया हमने भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में क्या होगी, खूब रिपल्शन, एक्चुअल बॉन्ड आराम से टूटेगा, तो PF5 टूटेगा PCl3 में जाएगा, तो ये बात PBr5 और PI5 में तो वैलिड होगी क्योंकि उनकी भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, और इनफैक्ट उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फॉस्फरस ही हो जाएगा क्योंकि फॉस्फरस थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में, डी जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमी होती है, फॉस्फरस की तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन घुसे तो रिपल्शन खूब होगा, टूटेंगे ही टूटेंगे, तो PF5 बनते ही टूटेगा, PBr5 बनते ही टूटेगा, PI5 भी बनते टूटेगा, एक तो यहीं से एक्सप्लेन हो गया। दूसरा यहां से एक्सप्लेन हो गया कि डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड आराम से टूटेगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी सिस्टम में, नहीं बनते, क्लियर होगी बात। चौथा
चौथा मतलब ये दूसरा हो गया, तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाएगा इसमें, तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाएगा, ध्यान से सुनेंगे बेट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू इन द क्लास नोज हाइब्रिडाइजेशन? ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम साइज, नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी, ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं नियरली नियरली वाले, हम सोचते हैं अरे ये क्या है बकवास, छोड़ो याद नहीं करना, यही पे इंपॉर्टेंट होता है. हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम साइज नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी. तो ये नियरली क्या कह रहा है, सुनो जरा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, है ना? एस ऑर्बिटल अगर 120 पिकोमीटर का साइज रखता है, अंदाजे से बता रही हूं, तो पी ऑर्बिटल जो होता है 140 पिकोमीटर का साइज रखता है, तो डी ऑर्बिटल जो होता है 200 पिकोमीटर का अंदाजे से साइज रखता है. तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम, पर इसका साइज तो काफी डिफरेंट है इनसे. तो एस और पी में हाइब्रिडाइजेशन खूब इफेक्टिव होती है, इसलिए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अच्छे होते हैं, sp2 भी बहुत अच्छे होते हैं, sp3 भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? बट जहां से sp3d होता है वहां से गड़बड़ होती है. तुम लोगों ने ये हाइब्रिडाइजेशन देखी है कभी? नहीं देखी ना, क्यों? मतलब डी के जैसे तीन पी होता है, तीनों पी को हाइब्रिडाइज करा देते हो, पांचों डी को भी करा दो, 5, 3, 8, 9 बॉन्ड बन जाएंगे सेंट्रल एटम से. देखा कभी? नहीं देखा. हमने कहां तक देखा मैक्सिमम? sp3d3 तक हो सकता है मैक्सिमम. d4 भी नहीं सुना, d5 भी नहीं सुना, क्यों? नहीं होते होंगे, किसी ने डिस्कवर नहीं करे होंगे, होते ही नहीं है. क्यों? क्योंकि डी का साइज में एस और पी के साइज से बहुत वेरिएशन है. तो डी इफेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता. तो sp3d अच्छा नहीं होता, sp3d2 भी बुरा ही होता है, और sp3d3 भी बुरा ही होता है. लेकिन यहां मैं जबरदस्ती कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के डी के साइज को अगर छोटा करूं और एस और पी के साइज से कंपेयर करूं तो मैं करवा सकती हूं. समझ बात को? मतलब ये सारी हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ तभी होंगी जब आप कुछ ना कुछ करके डी के साइज को एस और पी के साइज के साथ क्या करेंगे, इक्विवेलेंट, तभी sp3d हाइब्रिडाइज हो सकता है, तभी sp3d2 हो सकता है, sp3d3 हो सकता है, ठीक है? सुनिए क्यों. pf pcl, ठीक है? एक और एग्जांपल यहां लिख रही हूं, ph5 भी नहीं बनता बेटा, जबकि ph5 तो बन जाना चाहिए. सुनो, जैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, यहां तो सबसे कम होगी बॉन्ड, मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, एच का साइज सबसे छोटा होता, तब भी नहीं बन रहा ये बंदा. ph5 तो बन जाना चाहिए, क्योंकि एच का साइज, एच इज द छोटू ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो एस, एच और पी के साइज में तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, काफी स्टेबल होना चाहिए, बट नहीं बनता, क्योंकि ये सारा खेल बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का नहीं है, ये सारा खेल डी को हाइब्रिडाइज कराने का है. डी हाइब्रिडाइज होगा या नहीं होगा इसकी बात है. तो अगर फ्लोरीन लगाऊंगी तो यहां डेल नेगेटिव, यहां डेल पॉजिटिव, फॉस्फरस पे डेल पॉजिटिव का मतलब डिक्रीज इन द साइज, और फॉस्फरस के लास्ट पे कौन से ऑर्बिटल आते हैं, 3d, तो डिक्रीज इन साइज ऑफ व्हाट, 3d. फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि फॉस्फरस के 5d में से एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज लेके एक डी का साइज छोटा कर देता है और उस डी को इफेक्टिवली हाइब्रिडाइज करा देते हैं और sp3d बन जाता है. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ना होने के कारण फॉस्फरस पे डेल पॉजिटिव नहीं आता, मतलब फॉस्फरस के डी ऑर्बिटल का साइज छोटा नहीं होता, तो डी इफेक्टिवली हाइब्रिडाइज करना नहीं चाहेगा. बात समझ आई? तसल्ली से सांस लो और मैंने जो बोला उस पर गौर करो, इसको क्लियर करो, क्योंकि अब ये ग्रुप 15, 16, 17 में तुम्हारे पीछे रहेगा और इससे सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे. बात क्लियर? एडजस्ट हो गया तुम्हारे अंदर ये रीजन? ठीक है हर्ष, चलो फिर से समझ लेते हैं एक बार.
सांस लेके, हम लोग बोलना चाह रहे हैं एस और पी का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये एस और पी के बीच में हर तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी टू, एस पी थ्री बहुत ही स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन है। बट जैसे ही डी को हाइब्रिडाइज कराना पड़ता है तो दिक्कत आती है पिक्चर में, क्योंकि डी का साइज एस और पी से काफ़ी बड़ा है। मैं डी को हाइब्रिडाइज सिर्फ तब करा सकती हूँ जब कुछ करके मैं डी के साइज को क्या कर दूँ, छोटा। तो अगर मैं फॉस्फरस के साथ फ्लोरीन लगाती हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से फ्लोरीन पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज और कैटायनिक साइज छोटा होने लगता है। हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो फ्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से फ्लोरीन के जो वैलेंस डी है, वैलेंस डी ऑर्बिटल्स दैट विल बी हेल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो वो जब डी वाले जो ऑर्बिटल हैं 3d वाले वो न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो देर विल बी अ स्लाइट रिडक्शन इन द साइज। पांचों डी ऑर्बिटल का तो रिडक्शन नहीं हो सकता साइज का, क्योंकि इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट पांचों में से किसी एक डी का तो साइज छोटा हो सकता है। तो वो डी का साइज छोटा होने के कारण वो हाइब्रिडाइज कर जाएगा और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और pf5 बन जाएगा। cl भी ठीक ठाक है, कर सकता है, बट इतना स्टेबल नहीं है जितना pf5, वो हमने बता ही दिया। बट br5 और i5 में बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा, तो रिडक्शन इन साइज ऑफ द 3d ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस नहीं हो पाएगा। डी ऑर्बिटल विल नॉट बी एबल टू हाइब्रिडाइज प्रॉपरली, हेंस देयर विल बी नो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। ज्योत्सना जी कौन, साक्षी, चलो अब और चलते हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे। अब मैंने जितना तुम्हें बता दिया स्टेबिलिटी का, उन सब का रीजन को अपने मन में दोहरा लो, रीजन गलत नहीं करना, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो चार ऑप्शन दिखते हैं, चारों ऑप्शन के रीजन ऑलमोस्ट लगते हैं सारे तो सही हैं, पर मार्क तो एक ही करना होता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट रीजन क्या है, हमें उसकी बात करनी है, ठीक है? सुनते सारे रीजन से एक बार लिख लेते हैं। NF5 does not exist, NCl5 does not exist, NF3 exists, NCl3 exists, NBr3 exists, NI3 exists, ठीक है? PF5 exists, PCl5 exists, PBr5 does not, PI5 does not, PF3, PCl3, PBr3, PI3, ठीक है? अब जिसमें मैंने एग्जिस्ट नहीं लिखा ना वो बनते नहीं है। तो सवाल कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये बनकर अनस्टेबल करा दिए जाए, मतलब रिलेट कर लेना दोनों चीज़ों का, है ना? ये मत बोलना मैम सवाल तो कह रहे तो बनते हैं, आप तो कह रहे थे नहीं बनते। अरे बन के अनस्टेबल करा दी का मतलब यही हुआ ना कि नहीं बने इफेक्टिवली, है ना? तो वही चीज़ है। अब इन सब के रीज़न हम लोग जो है काउंट कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इनके रीज़न देने हैं। तो इसका ना बनने का कारण, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसके ना बनने का कारण, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये तीनों क्यों, चारों क्यों बनेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड इफेक्टिवली बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना? 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्यों बनेंगे, क्योंकि फॉस्फरस 5 बॉन्ड बना सकता है। इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, PF5 ज्यादा स्टेबल होगा PCl5 से। क्यों? क्योंकि PCl5 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लंबी होती है, इक्वेटोरियल से तो टूट जाता है, ठीक है? ये दोनों नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के कारण डी ऑर्बिटल इफेक्टिवली हाइब्रिडाइज नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों नहीं बनेंगे। अब इन सब में देखो ये सब क्यों बनेंगे, क्योंकि इन सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 डी को हाइब्रिडाइज कराना है नहीं कराना, तो br लगे, i लगे, f लगे, cl लगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सारे बनेंगे। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, क्लियर? तो ये सारे बनेंगे क्योंकि sp3 हैं, ये सारे बनेंगे क्योंकि sp3 हैं, sp3d में सिर्फ यही दो बनेंगे, ठीक है? और नाइट्रोजन तो 5 बना ही नहीं सकता, तो खत्म ही होगी कहानी, sp3d नाइट्रोजन में हो ही नहीं सकता, d है ही नहीं उसके पास, है ना? वेरी गुड। लेकिन लेट्स से मैंने आपको क्वेश्चन दिया PF5 exist, PCl5 exist, PBr5 does not,
एंड PI5 डज नॉट, रीजन दिया फिर मैंने ऑप्शंस में इसके, ठीक है, और कोई भी चार ऑप्शन में से रीजन ये नहीं है कि डीहाइब्रिडाइज नहीं हो पा रहा PBr5 में और PI5 में. हालांकि रीजन तो तुम्हें एक ही बताया मैंने, यही होना चाहिए, लेकिन ये चारों में से कहीं पे भी गिवन नहीं है. तो क्या करेंगे, NTA को चैलेंज नहीं, चैलेंज नहीं करेंगे, सोचेंगे एक बार. एक और रीजन हो सकता है यही समझाने का कि ये दो बन रहे हैं ये नहीं बन रहे, वो रीजन ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स. हैलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो मैं एक और रीजन दे सकती हूँ ये बोलने का कि PBr5 और PI5 नहीं बन रहे, वो ये होगा कि ब्रोमीन एंड आयोडीन नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं हैं कि फॉस्फरस के +5 को स्टेबल कर सके. भैया किसी भी एलिमेंट को अगर उसके +5 में लेके जाना है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी ना, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है. ब्रोमीन और आयोडीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं है, तो फॉस्फरस के +5 को स्टेबलाइज नहीं कर सकते. ये भी रीज़न है इसी एविडेंस को सपोर्ट करने का. दोनों रीजंस पते होने चाहिए, चारों ऑप्शन में से कौन सा रीज़न आ जाए आपको नहीं पता तो यू शुड बी क्लियर विद एवरीथिंग. क्लियर, कोई डाउट? तो ग्रुप 15 के हेलाइट छप गए दिमाग में, चलिए शाबाश. अब हम लोग आगे चलते हैं. अब एक और बात करते हैं, BiCl3 exist, BiCl5 does not, इसका रीजन क्या दोगे? जैसी बिस्मत की बात आई, यहाँ पे कौन घुसा, इनर्ट पेयर, और बिस्मत के लिए कौन सा स्टेबल है, +3, तो +5 क्यों बनेगा, चाहे किसी के साथ भी बनाओ. तो इसका रीजन आएगा कि बिस्मत हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज मोस्ट स्टेबल. बात क्लियर, चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए बिस्मत का सिर्फ ट्राइक्लोराइड या ट्राइफ्लोराइड ही एग्जिस्ट करेंगे. यहां तक बात समझ आई हमें? चलिए अब हम लोग जा रहे हैं बेटा हाइड्राइड्स की तरफ, ठीक है. तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15. तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स मेरे पास कौन से बेटा, NH3, PH3, आर्सनिक H3, एंटीमनी H3, बिस्मत H3. दो तीन चीज़ें मैं समझाना चाहूँगी. हाइड्राइड्स बेटा सारे H3 वाले बनेंगे, H5 वाला कोई हाइड्राइड मेरा नहीं बनेगा. देखो ऐसा कुछ नहीं बनता, NH5, PH5, AHH5 एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी हाइड्राइड्स मेरे पास नहीं होते. क्यों? ठीक है, फॉस्फोरस तो बना सकता है, अभी हमने समझाया PH5 क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी और d का साइज छोटा करने के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए. इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे समझाऊंगी, हैलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग, तो वो किसी भी एलिमेंट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं. बट हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग, हाइड्रोजन हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो किसी भी एलिमेंट को +5 थोड़ी ले जाएगा. आपको अगर रेडॉक्स मालूम है तो हाइड्रोजन व्हेन अटैच्ड टू अ नॉन मेटल विल हैव अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो भैया इस पे अगर +5 तो फास्फोरस पे क्या जाएगा, -5, फास्फोरस में -5 आता है नहीं. नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 की कौन सी है, -3.
माइनस फाइव है क्या? नहीं है, तो कैसे बनेगा? तो सिंपल सा रीजन ये है कि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग होता है तो सेंट्रल एटम पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? माइनस फाइव, और माइनस फाइव तो आ ही नहीं सकता, उनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ही कितना? माइनस तीन ही तो है, समझ रहे हैं? और इन सब में सेंट्रल पे क्या आएगा? माइनस तीन। ठीक है, बात क्लियर? वेरी गुड। अब इन हाइड्राइड्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी चीजें इस हाइड्राइड्स की मुझे डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज मैं डिस्कस करती हूँ इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं स्टेबिलिटी पे। NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। तो डाउन द ग्रुप बेटा हम जाएंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो NH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्गर होगा, आर्सेनिक हाइड्रोजन बॉन्ड और लॉन्गर होगा, एंटीमनी हाइड्रोजन बॉन्ड और लॉन्गर होगा, बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा लॉन्गर होगा। तो डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो स्टेबिलिटी को क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन PH3, देन आर्सेनिक H3, देन एंटीमनी H3, और सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन होगा बेटा? बिस्मथ H3। क्लियर? नहीं, हाँ सही है, सही है। ऐसे शक मत करो, हर बार एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके, एक और चीज बताऊं, बी आई एच थ्री अनस्टेबल क्यों है? एकमात्र इसका रीजन है कि बिस्मत जो है मेटल है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तो सारे नॉन मेटल्स ही रहते हैं जनरली। आर्सेनिक, एंटीमनी अ लिटिल बिट ऑफ एम्फ्रोटेरिक नेचर शो करते हैं, मतलब मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। बट बिस्मथ कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? प्योर मेटल, बिस्मथ इज अ मेटल। तो जो मेटल होगा क्या वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है? नहीं। तो बिस्मत H3 जब बनेगा तो बिस्मत पे क्या आएगा? माइनस थ्री। बट बिस्मत क्या है? मेटल, कैन नॉट कीप माइनस थ्री, इसलिए वो अनस्टेबल होगा, जो कि इस फैक्ट से भी क्या हो रहा है, एविडेंट हो रहा है कि बिस्मत H3 क्या होने वाला है? अनस्टेबल होने वाला है। फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब आते हैं लुइस बेसिसिटी पे। तो क्या लगता है इनकी बेसिसिटी? क्योंकि सब बेस तो होंगी, इन सबके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये बेसिसिटी इनकी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी या कम होगी? डिक्रीजेस। क्यों? यस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा सेंट्रल एटम का, तो लोन पेयर तो एक है, लोन पेयर तो इधर उधर घूमने लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डोनेशन पावर भी क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। तो लुइस बेसिसिटी डिक्रीजेस, मतलब अमोनिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर लुइस बेस होगा, देन, और अगर मैं इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझाऊं तो कैसे समझा सकती हूँ? ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे आप लोगों ने क्या रीजन दिया, चार्ज डेंसिटी। मैं अगर ये स्टेटमेंट लिख दूं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, तो इजिली डोनेट हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो बेसिसिटी बढ़नी चाहिए ना। तो बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, तो क्या होगा? नहीं, हम यही सोच लेंगे, है नहीं, इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, शाबाश, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पे जो पकड़ है वो कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बड़े साइज पे ज्यादा घूम जाएगा, क्योंकि बिस्मत की पकड़ कम हो रही है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो बिस्मत का बड़ा साइज है वो घूमता रहेगा। तो जब बिस्मत के बड़े साइज पे वो घूम गया तो एक पर्टिकुलर एरिया पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, डोनेशन कम हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आप समझा सकते हो, लेकिन उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीछे भी आपको किसको लेकर आना है? प्रोबेबिलिटी को, चार्ज डेंसिटी को। समझे मेरी बात? नहीं समझ गया क्या? रिपीट कर। नवांग हंस रहा है, क्यों भाई, तेरे से पूछूं मैं? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो उसको ऐसे समझ लो, ये मत बोलो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। अब ये बोल लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है
तो बिस्मत की पकड़ कम होगी, कम होगी तो उसका बड़े साइज में वो घूमता रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यू कैन ऑल्सो टेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ फैक्टर बट इन अ डिफरेंट वे। ओवरऑल कंक्लूजन इज डन द ग्रुप, चार्ज डेंसिटी इज डिक्रीजिंग सो बेसिसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना वांग, नेक्स्ट आंसर यू विल गोइंग टू आंसर माई क्वेश्चन, क्लियर? चलिए शाबाश। अगर मैं बोलूं डीकम्पोजिशन टेम्परेचर तो क्या बोलोगे? बढ़ेगा घटेगा? एनिस्ट्री का मैक्सिमम, हाँ हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेबिलिटी घट रही है ना, मतलब कम टेम्परेचर पे डीकम्पोज हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसको देना पड़ेगा डीकम्पोज करने को? अमोनिया को। तो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग, राइट? देख रहे हैं बेटा, मैंने कब कहा नहीं देखते, मैंने कहा देखते हैं, नहीं देखते, नहीं देख रहे हैं हम लुईस बेसिसिटी देखेंगे, लुईस एसिडिटी नहीं देखेंगे क्योंकि ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन प्रोटोनिक एसिडिटी देख सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड वाली एसिडिटी देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, एज पर द डिमांड वी विल बी टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, हम देख रहे हैं एसिडिटी, लेकिन हम एसिडिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस नहीं देखेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉन्स्टेड एसिड जो कि प्रोटॉन डोनर होगा, मतलब H प्लस का निकलना। तो अभी हमने बोला डाउन द ग्रुप बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, तो H माइनस टूटेगा तो भी आराम से निकलेगा, H प्लस होगा तो भी आराम से, बॉन्ड ही तो तोड़ना है, जैसे मर्जी तोड़ो। तो डाउन द ग्रुप भी बॉन्ड की डिसोसिएशन आसान हो रही है, तो एसिडिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी डाउन द ग्रुप, राइट? बॉन्ड विल ब्रेक इजिली, सो एसिडिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत एट ऑल। तो हमने एसिडिटी भी देख ली, जैसे हमने साक्षी ने बोला, हमने डीकम्पोजिशन टेम्परेचर देख लिया, लुईस बेसिसिटी देख ली, स्टेबिलिटी देख ली। अब मैं आती हूं इन सब के बॉन्ड एंगल्स की तरफ। नाउ व्हाट विल हैपन टू देयर बॉन्ड एंगल? So we have NH3 first of all, then we have PH3, arsenic H3 like this, ऐसे continue होता रहेगा। तो bond angle पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब bond angle बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? Chemical bonding, maximum होगा, कितना होता है? 107। डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कितना होता है अंदाजे से? 92 के आसपास। तो यहाँ होता है 107, यहाँ होता है 92, यहाँ होता है 91, यहाँ होता है 90, यहाँ होता है अप्रोक्सीमेटली 90 या 89 के आसपास, समझ लो। क्यों? किसकी वजह से? हाँ, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगी, भाई नाइट्रोजन पे कम एरिया है। तो ये हमने क्या बोला था, लोन पेयर को कैसे समझना है? हाँ, बिगड़ा हुआ बच्चा, जैसे तुम सारे हो, तुम लोगों को जितनी फ्रीडम देंगे उतना ज्यादा तुम क्या करोगे? बिगड़ोगे, सुधर थोड़ी जाओगे। तो डाउन द ग्रुप लोन पेयर तो सब पे एक ही है, लेकिन इसका साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब लोन पेयर को घूमने का फ्रीडम मिल रहा है। तो ज्यादा घूमने का फ्रीडम मिलेगा तो ज्यादा घूमेगा, ज्यादा घूमेगा इधर उधर, तो दो बॉन्ड्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बॉन्ड्स क्या होते जाएंगे? पास आते जाएंगे। बॉन्ड एंगल क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। तो बॉन्ड एंगल के डिक्रीज का रीजन इंक्रीज इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। कूल, क्लियर? लेकिन ये सारे बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 क्यों है? Why all these bond angles are close to 90? इसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए। मतलब ये क्या है, मतलब 107 से सीधा 92 पहुंचा, 107 से 104 भी जा सकता था, 100 भी जा सकता था, 101 भी जा सकता था, नहीं पहुंचा 90। फिर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऑलमोस्ट सारे 90 चल रहे। क्यों भैया? विशाली बता, तो 90 का क्या रिलेशन है साइज से? डिक्रीज का रिलेशन समझ आ रहा है, 90 क्यों है? ज्योत्सना में कुछ समझाना चाह रही है क्या? ड्रैगोज रूल, द रीजन इज ड्रैगोज रूल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस रूल बिफोर इन योर एंटायर लाइफ?
मतलब नॉट लाइफ बट एक दो साल पहले. ओनली वैशाली हैव लर्न्ड अबाउट ड्रैगन्स रूल. ज्योत्सना क्या होता है, ध्यान से सुनना. ये जो भी ग्रुप है मेरे पास, ग्रुप 15, इसका जो भी एलिमेंट है, लेट्स से नाइट्रोजन या फॉस्फरस कुछ भी ले रही हूँ, वो S2 और NP3 है ना. केमिकल बॉन्डिंग का बेसिस समझते हैं. अमोनिया का अगर मैं आपको बोलूँ ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाओ, कैसे समझाओगे कि अमोनिया का बॉन्ड कैसे बना है? तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन में लिखोगे भैया 2s2 होता है, 2p3 होता है. तो हाइब्रिडाइजेशन आप इसका पहले निकाल लोगे स्टेरिक नंबर से, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3. तो आप एक s और 3p को क्या कर दोगे, हाइब्रिडाइज कर दोगे, आया ना. फिर आपने क्या किया, नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, कितने, 4. एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक में 1 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे. फिर हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s, वो आके इनके साथ क्या कर लेगा बेटा, ओवरलैप, हाँ या ना. ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्यों करी, मैं सिंपली क्यों कर, मैं ऐसे नहीं कर सकती कि इसके पीएच से एच का ओवरलैप, इससे पीएच से सबसे एक एक एच एच का ओवरलैप करा देती. व्हाई आई नीड टू हाइब्रिडाइज इट. तो जो मैं बोलती हूँ ना कि बेटा तुमने सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया, वो एक्चुअली मैं पढ़ लिया है, बस तुमने पढ़ा नहीं उस टाइम जब मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही थी. मेरे से दोबारा मेहनत करवा रहे हो तुम लोग वापस से. केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने ये समझा कि हम सेंट्रल एटम को क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, है ना. एक होता है कि डॉक्टर ने दवाई दी कि बेटा खा ले तू ठीक हो जाएगा, तुमने खा ली बिना सवाल जवाब करे कि कर क्या रही है मेरी बॉडी में, ये मुझे कैसे ठीक कर रही है. तुम वही बच्चे हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बताती रहती हूँ, तुम मानते रहते हो. थोड़ा सा सवाल जवाब करना सीखो कि क्यों कराया हमने हाइब्रिडाइजेशन. हमारे हाइब्रिडाइजेशन कराने का रीज़न क्या था, मतलब वी थॉट अबाउट डूइंग हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज हमें सारे बॉन्ड्स इक्वल एनर्जी के चाहिए थे, है ना. यहाँ पे तो तीनों, अगर मैं पीएक्स से भी ओवरलैप कराती, पीवाई से कराती, पीजेड से कराती, तो भी तीनों बॉन्ड इक्वल एनर्जी के ही आते, क्योंकि तीनों पी इक्वल एनर्जी के तो हैं, डीजनरेट ही तो हैं. तो यहाँ मुझे इक्वल एनर्जी के बॉन्ड नहीं चाहिए थे. बट अगर मैं इनसे ओवरलैप कराती, पीएक्स पीवाई पीजेड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये जो अमोनिया में बॉन्ड्स आते हैं ना, वो सब 90 डिग्री पर आते हैं. बट 90 डिग्री पे क्या होती है बेटा, रिपल्शन. तो इसलिए हमने हाइब्रिडाइज कराया, क्योंकि हाइब्रिडाइज कराने से बॉन्ड एंगल बढ़ के कितना आना चाहिए, 109 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर आ गया, तो 107. तो हाइब्रिडाइजेशन कराने के हमारे पास मेजरली जो है ना, दो मकसद हैं. उनमें से अगर एक भी फुलफिल होता तो मैं हाइब्रिडाइजेशन कराती हूँ. पहला मकसद क्या है हाइब्रिडाइजेशन कराने का, ऑल द बॉन्ड्स यू आर फॉर्मिंग वुड बी ऑफ सेम एनर्जी. सेकेंड मकसद ये होता है हाइब्रिडाइजेशन कराने का, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन को हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, स्पेशली बॉन्ड पेयर. क्योंकि हालांकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है, लेकिन 90 के पास अगर बॉन्ड आएंगे तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन डोमिनेट करेगी. तो अगर आप बिना हाइब्रिडाइज कराए पीएक्स से एच का बॉन्ड बनाते, पीवाई से एच का बॉन्ड बनाते, पीजेड से एच का बॉन्ड बनाते, तो पीएक्स पीवाई पीजेड सारे 90 डिग्री पर होते, तो अमोनिया एकदम 90 डिग्री पर होता. उसके सारे बॉन्ड किस पर होते, 90 डिग्री पर. और 90 डिग्री पे क्या होता बेटा, रिपल्शन. लोन पेयर भी किस पर होता, 90 पर होता. हाईली रिपल्शन मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता, इसलिए मैंने उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया. बात क्लियर. बट क्या सब कुछ जीवन में फ्री में मिलता है, कैन यू गेट एनीथिंग फॉर फ्री इन लाइफ, यू डोंट गेट, यू ऑलवेज हैव टू पे फॉर समथिंग. आप अगर पढ़ने आए तो पैसे दे रहे हैं, दवाई खाने दवाई जाओगे डॉक्टर के पास तो पैसा दोगे, बाजार में कुछ खरीदने जाओगे पैसा दोगे, लाइफ में कुछ भी करोगे तो पैसे की ज़रूरत है. अभी तो तुम लोग पढ़ रहे हो ताकि कुछ बनो और कमाओ, कमाना ही नहीं होता तो काहे पढ़ते, पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती ना, कमाना पड़ेगा, क्योंकि नथिंग कम्स फॉर फ्री इन लाइफ, सेम इज द केस हेयर. अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. बट हम इन्वेस्टमेंट तब करेंगे ये सोच के कि जो बाद में हमें मिलेगा वो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा हमारी इन्वेस्टमेंट से, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कोई मायने नहीं रखती. हालांकि वो कैसे जस्टिफाई होता है, तुमने हाइब्रिडाइज करने के लिए एनर्जी दे दी लेकिन फिर बॉन्ड बने,
बॉन्ड बनने पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी को क्या कर लेती है, कॉम्पनसेट कर लेती है. एनर्जी रिलीज इज ऑलवेज मोर देन द एनर्जी दैट यू आर स्पेंडेड इन डूइंग हाइब्रिडाइजेशन. इसलिए एनर्जी कितनी लग रही है हाइब्रिडाइज कराने के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं इन सब का रिपोर्टेड बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है, हाँ या ना. तो इसका मतलब इनको हाइब्रिडाइज करा भी लो तो भी बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है, 90. अगर हाइब्रिडाइज नहीं भी कराते तो भी बॉन्ड एंगल कितना होता, 90. बॉन्ड तो पहले भी तीनों इक्वल एनर्जी के थे, अभी भी इक्वल के होंगे क्योंकि सारे पीसी बन रहे हैं, पी में ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना. तो क्या इन्हें जरूरत है हाइब्रिडाइज कराने की, नहीं है ना भाई. करा के क्या मिल रहा है, यहां तो मिल रहा है 107 हो रहा है बॉन्ड एंगल, चलो करा दिया. यहां कुछ मिल रहा है, रिपोर्टेड बॉन्ड एंगल भी 90, नहीं भी कराती हाइब्रिडाइज तो भी 90 रहता, और तीनों की एनर्जी क्या है, सेम. तो अगर PX से भी सीधा ओवरलैप कराती, PY से भी सीधा कराती, PZ से भी सीधा कराती तो भी तो एनर्जी सेम ही रहती, क्योंकि PX, PY, PZ क्या है, डीजनरेट. तो कोई फायदा है हाइब्रिडाइज कराने का, नहीं है. चलो फायदे को नहीं सोचते तो सोच ले चलो करा दो, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, एनर्जी तो रिलीज हो रही है. लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम. तो क्या प्रॉफिट उतना मिल पाएगा जितना तुम हाइब्रिडाइजेशन पे लगा रहे हो, नहीं. और हाइब्रिडाइजेशन कराने से कोई फायदा भी नहीं हो रहा, इसलिए डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन इफेक्टिव हो जाती है. मैं ये नहीं बोल रही नहीं होती, मैंने क्या बोला, इन इफेक्टिव हो जाती है. इन इफेक्टिव होने की वजह से कई मॉलिक्यूल्स बिना हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस कारणवश इनका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 रहता है. इसको समझाया हमें ये महान साइंटिस्ट ड्रैगो ने, और इसको बोला जाता है ड्रैगोज रूल. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई देयर बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90, बिकॉज दे आर अंडरगोइंग इन इफेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन. तो अब इससे सवाल क्या आया था, नीट में मैं पहली बार ही बता चुकी हूँ, सवाल आ चुका है एक बार ड्रैगोज रूल से. द क्वेश्चन वॉज वट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ PH3 एंड वी गॉट 4 ऑप्शंस, 103, 104, 107, 92. तो दिमाग में क्या आता है, हम याद करने पड़ेंगे ना बॉन्ड एंगल तो सबके याद करने पड़ते हैं. फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आके क्या होते हैं, मैम ये तो याद करने वाला सवाल आ गया, तो हमें आता नहीं था, इसमें याद करने का कुछ था ही नहीं. क्यों, क्योंकि ग्रुप 15 है, फॉस्फरस हो चाहे आर्सेनिक हो चाहे एंटीमनी हो चाहे कुछ भी हो, सबके बॉन्ड एंगल किसके आसपास रहेंगे, 90. चारों में से एक ही ऑप्शन रहेगा जो 90 के आसपास रहेगा, दैट इज द आंसर. तो अगर मैं आपको बोल भी देती ना आर्सेनिक का बताओ तो भी आप यही करते हैं, क्योंकि क्लोज टू 90 आपको मार्क करना है. चारों में से जो भी आंसर क्लोज टू 90 है वो आप तो मार्क, ये मत बोलो मैम 92 होगा 91 होगा, कुछ भी होगा 90 के आसपास होगा. डू यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ ड्रैगोज रूल. विल यू एवर फॉरगेट दिस इन, नो अब कुछ चांस नहीं, क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिलेगा दोबारा समझाने का. तुम्हें अब समझा दिया, अब तुम सीधे एग्जाम में तुम डील करना है. इज दैट क्लियर टिल नाउ, बात क्लियर होगी. हाइड्राइज की स्टेबिलिटी, बेसिसिटी, बॉन्ड एंगल्स, डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर, एसिडिटी वी हैव डन टिल नाउ. फर्दर टेकिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ NF3 एंड CL3. आई वॉन्ट यू टू कमेंट ऑन देयर बॉन्ड एंगल. कमेंट ऑन देयर बॉन्ड एंगल. अगेन इट इज केमिकल बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग लगेगी. कैसे, NF3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये हम लोग क्यों नहीं देखते ये सारी चीजें छोटी छोटी सी. फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल्स है बेटा, नहीं है, तो ये ऐसे ही रहने वाला है. बट NCl3 में क्या हो सकता है, इसके लोन पेयर किस में प्रेजेंट है, अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है. इसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल है या नहीं है, तो ये अपने लोन पेयर को किस में डोनेट कर सकता है, वेकेंट 3D ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन में. और जब भी एक बैक बॉन्ड सेंट्रल एटम से सब्सिट्यूएंट की तरफ बनता है तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है. इसका हाइब्रिडाइजेशन विल गो समवॉट नियर sp2,
तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल रहेगा किसके अराउंड, sp2 के अराउंड, और लोन पेयर भी रहेगा, ऐसा नहीं कि लोन पेयर नहीं रहेगा, तो एग्जैक्ट 120 ना हो के 120 से थोड़ा कम हो जाएगा, समवॉट अराउंड 110। तो NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है बिकॉज NCl3 हैज अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2, NF3 हैज अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव नो आइडिया व्हाट बैक बॉन्डिंग इज? बैक बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना, बाकी वो कभी भला ही हो जाएगा, वैसे भी तुम लोगों को कौन सा गुस्सा आ रहा है। देखिए, एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि सिग्मा है पहले, फिर पाई बॉन्ड बनता है कैसे, लेटरल ओवरलैप से, इस तरीके से। ये हो गया मेरा पाई बॉन्ड जो बना मैंने लेटरल ओवरलैप से। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बनेगा तो ऐसे ही सिग्मा जैसे, बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा दे रहा होगा। जो बैक बॉन्ड है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे और पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे। कोऑर्डिनेट वाले मतलब कोई एक ही बंदा दो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और पाई बॉन्ड वाले मतलब लेटरल ओवरलैप हो रहा होगा। तो लेटरल ओवरलैप अलोंग विद अ कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक मेक्स अ बैक बॉन्ड। सो लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, पहले BF3 BCl3 वाला तो बैक बॉन्ड सुना होगा, नहीं सुना तो सुने इधर। ये बोरॉन का ऑर्बिटल खाली है 2p, हमेशा याद रखिए बच्चे, तुम लोगों के लिए बता रही हूँ स्पेशली, जब भी पाए बॉन्ड बनता है तो पाए बॉन्ड सिर्फ 2p 2p के बीच में बन सकता है जो कि सबसे स्टेबल है, या फिर 2p 3d के बीच में बन सकता है। 2p 3p नहीं बनता, 3p 3p ऐसा कोई पाए बॉन्ड नहीं होता। पाए बॉन्ड सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, इसको बोल देते हैं p π p π, इसको बोलते हैं p π d π। तो 2p 2p या फिर 2p 3d, इसके अलावा किसी भी तरीके का पाए बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। और सिंस आई सेड कि बैक बॉन्ड विल हैव अ पाए बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बैक बॉन्ड भी सिर्फ यही दो तरीके के होंगे, या तो p π p π या फिर p π d π। ठीक है, नाउ हेयर फ्लोरीन के लोन पेयर्स किस में होंगे बच्चे, 2p ऑर्बिटल में, हाँ है ना। तो ये दोनों लोन पेयर जो है किसको डोनेट हो जाएंगे, इस 2p ऑफ बोरॉन को। ठीक है, नाउ दिस इज 2p एंड 2p कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड, करेक्ट। और आप देख रहे हैं लेटरल ओवरलैपिंग से हो रहा है, पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, फ्लोरीन ने दिए, तो कोऑर्डिनेट विद अ पाई, दैट्स अ बैक बॉन्ड। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो फ्लोरीन से बैक बॉन्ड हुआ कहां पे, बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ इन दिस बैक बॉन्ड आप देखेंगे ये बैक बॉन्ड का डायरेक्शन जो है वो सब्सिट्यूएंट से किसकी तरफ है, सेंट्रल एटम। तो हमारे पास एक बैक बॉन्ड होता है फ्रॉम सब्सिट्यूएंट टू सेंट्रल एटम, ये बैक बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करता, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 था, अभी भी क्या रहेगा बेटा, sp2। कूल, देयर बी नथिंग लाइक एस चेंज। यहां तक समझ आ गई हमें बात, अब सुने, डाइजेस्टेड, दोनों को समझ आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना जो NCl3 का मैं तुम्हारे सामने ला रही हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ NCl3 में ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर मेरा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। नाउ इसके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है, 3d, और नाइट्रोजन के पास तो जो भी ऑर्बिटल रहेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो p से ही मिला होगा ना, मतलब 2p से ही होगा ऑब्वियसली। तो ये कहेगा भैया मैं अपना लोन पेयर इस बंदे को देना चाहती हूँ। क्यों देना चाहता हूँ, सबसे पहला रीजन मेरा साइज छोटा है, आई कैन नॉट कीप अ लोन पेयर, और दूसरे बंदे का भला हो जाएगा उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल। पर ऐसा थोड़ी दे रहे कि तू रख ले परमानेंटली, शेयरिंग ही हो रही है तो कुछ नहीं होता, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट ही रहना, उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसको देना चाहेगी, लेकिन बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ऑल द आईज ऑन द बोर्ड। एक तरीका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का वो होता है V+ है -C+ है, जिसे आप स्टेरिक नंबर से निकालते हैं। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, एक लोन पेयर 4, 4 आया कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। लेकिन बच्चों अगर ये लोन पेयर इससे इधर चला गया तो क्या लोन पेयर इसके पास बचेगा, नहीं, वो तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में गिनते नहीं है। तो अगर ये पाई मैंने बना लिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा मतलब sp2।
तो जब भी बैग बॉन्ड सेंट्रल एटम से सब्सिट्वेंट की तरफ बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट से कम हो जाएगी, sp3 से कहां बदल जाएगी sp2 में। तो हुआ क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये बंदा अपना लोन पेयर जो हाइब्रिड में रखकर बैठा है वो कहेगा हटाओ, नाइट्रोजन जो है वो 2s2 2p3 है ना बच्चों, एक एक्साइट कर लिया मैंने लेट्स से ऐसे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन करा रखी थी इसने sp3, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट थे, है ना। अब ये कहेगा ऐसा है, इसको इधर मतलब ऐसे कर देती हूँ, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट थे, वे कहेगा मुझे अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करनी है। तो वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को हाइब्रिडाइज नहीं कराएगा इस टाइम पे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाएगी, ध्यान देना इस बात में, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, अपना लोन पेयर इधर भेज देगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, और इनको हाइब्रिडाइज करा लेगा sp2। तो यहां से सिग्मा, यहां से सिग्मा, यहां से सिग्मा, और यहां से क्या बन जाएगा, लेटरल पाई बॉन्ड, दैट्स अ बैक बॉन्ड। तो NCl3 में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया क्योंकि इसने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोन पेयर अपने p ऑर्बिटल में भेज दिया, कौन से p में भेजा, 2p में भेजा, और 2p ने ओवरलैप करा किसके साथ, 3d के साथ, 2p 3d के बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है। ये पाई बॉन्ड के अंदर कोऑर्डिनेट की कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इस पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे, बैक बॉन्ड, और इसके चलते इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 चेंज होके क्या हो गया, sp2, और बॉन्ड एंगल बढ़ गया क्योंकि बॉन्ड एंगल sp2 का कितना होता है, 120 के आसपास, बोले बात समझ आई। तो दो बैक बॉन्ड हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है तुम्हारा सब्सिट्वेंट से सेंट्रल, दैट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन, अनदर वन वुड बी सेंट्रल टू सब्सिट्वेंट, दैट विल गोइंग टू चेंज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं जो कि ग्रुप 15 का ही है, और ये हमने ग्रुप 14 में भी किया था, क्या था वो एग्जांपल, एन मिथाइल अमीन इज पिरामिडल वाइल एन सिलाइल अमीन इज प्लेनर। तो ये एन मिथाइलमीन कौन बनता है, अमीन मतलब अमोनिया टाइप स्ट्रक्चर, बट तीनों जगह क्या लगा दो, मिथाइल, NCH3, CH3, CH2, दिस इज एन मिथाइल अमीन। एन सिलाइल अमीन क्या है, SiH3, 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 ठीक है। नाउ क्या कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, नो। तो क्या बैक बॉन्ड हो सकता है, नो। तो बैक बॉन्ड जब नहीं होगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसकी वही रहेगी, मतलब ये क्या रहेगा sp3, हेंस क्या रहेगा, पिरामिडल। बट यहां पे इस सिलिकन के पास क्या है, वेकेंट 3d, तो ये लोन पेयर इसके सिलिकन में जा सकता है, फिर से बैक बॉन्ड कहां से बन रहा है, सेंट्रल एटम से सब्सिट्वेंट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज क्या बनेगा, sp2 मतलब प्लेनर, जस्टिफाई हो गया, ठीक है, बात समझ आई सारी। बेटा जब भी बॉन्ड एंगल का सवाल आए, तीन चीजें एक्सेप्शनल बॉन्ड एंगल क्रिएट कर सकती हैं, ध्यान रखना, बैक बॉन्ड सबसे पहले चेक करना, सेकेंड चीज जो चेक करना है बॉन्ड एंगल में वो है ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज रूल और बॉन्ड जो वो है आपका बैक बॉन्ड, वो बॉन्ड एंगल को बहुत ज़्यादा अच्छे से चेंज करता है, एग्जामिनर को पता है बच्चे को क्या नहीं आता है वो वही पूछेगा, मेक योर एग्जामिनर रॉन्ग, बोल दो हमें आता है हम सही करेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई, आगे चलो। क्या बैक बॉन्ड और ड्रैगोज रूल सबसे ज़्यादा मतलब एक बॉन्ड एंगल को सब्सटैंशियली चेंज करता है, मतलब डिस्कस करेंगे डिटेल डिस्कशन अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के एसिड्स, फिर फास्फोरस के ऑक्साइड्स, फास्फोरस के एसिड्स, फिर सबकी प्रिपरेशन वगैरह जो भी हमें करना है। तो लेट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, देखिए बेटा
अगर आपको पता हो तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन जनरली रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा हायर टेम्परेचर पे नहीं कराया जाता. बोथ ऑफ देम आर कंसीडर्ड टू बी इनर्ट गैसेस. तो अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन तो हो ही रहे, लेकिन सारे रिएक्शंस जो होंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे. मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे होंगे बट डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बनेंगे. डायरेक्ट रिएक्शन अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा तो वो एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पे या लिटिल हायर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनर्ट ही माना जाता है. डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में भी हम लोग जब लेते हैं तो इन दोनों के ऊपर डाल्टन्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज ये हाई टेम्परेचर पे मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं तो इन पे वैलिड होता है लाइक दिस, है ना. तो इनको हम लोग मानते नहीं है. तो अगर आप नाइट्रोजन के 5 या 6 ऑक्साइड जो भी लिख रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट फॉर्म होंगे, किसी को डिकम्पोज करके या कैसे भी, डायरेक्ट रिएक्शन से दिक्कत है बनाने में. अगर बनाएंगे तो बहुत खूब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है. तो हमारे पास कौन से ऑक्साइड्स हैं? 5 ऑक्साइड हमें मिलेंगे. नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, जिसको बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के सफिक्स में क्या लगाते हैं, अस. तो जैसे फेरस +2 और फेरिक +3, क्यूप्रस +2, क्यूप्रिक नहीं, क्यूप्रस +1, क्यूप्रस क्यूप्रिक +2. हायर इज इक एंड लोअर इज अस, तो +1 इज द लोएस्ट वन, सो विल बी कॉलिंग इट एज नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इज नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ N2O, ऑक्सीजन -2, तो दो नाइट्रोजन पे +2, तो एक नाइट्रोजन पे +1. सेकेंड इज नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, दैट इज विल कॉल इट नाइट्रिक. व्हाई? बिकॉज दैट इज नाउ अ लिटिल हायर वन. तो नाइट्रिक इज NO, नाइट्रोजन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. देन वी हैव नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड. बेटा इसको बोला जाता है नाइट्रोजन सेस क्यू ऑक्साइड. क्या बोला जाता है? सेस क्यू. ये मैंने आपको बताया था 2:3 वाले सेस क्यू होते हैं, तो वी कॉल इट एज नाइट्रोजन सेस क्यू ऑक्साइड, दैट इज N2O3, 2:3 रेशियो. तो -6 +6, दो नाइट्रोजन पे +6, तो एक पे +3. देन वी हैव नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड अपने पास होता है N2O4, ऑफन कॉल इट एज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि NO2 एक्चुअली में बेटा डाइमराइज कर जाता है N2O4 में. तो ये भी बोला जा सकता है इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही आ रही है, NO2 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही आ रही है. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड अगर आप बोल रहे हो तो उसे NO2 या N2O4 दोनों ही बोल सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे में क्या रहते हैं, इंटर कन्वर्टेड रहते हैं, ठीक है. देन फाइनली इज नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, विच इज N2O5, दैट इज N2O5. तो ऐसा नहीं नाइट्रोजन 5 नहीं देता ऑक्सीडेशन स्टेट, दिया है. HNO3 में भी दिया है, N2O5 में भी 5 है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 भी है, ठीक है, 2 भी है, 1 भी है. तो नाइट्रोजन की कितनी सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टार्टिंग फ्रॉम 0. नाइट्रोजन की अगर आप बात करेंगे 0 होती है नाइट्रोजन में, इनफैक्ट -3 भी होती है. NH3 में नाइट्रोजन किस में? -3 में. 0 किस में? N2 में. फिर इसके आगे किस में सकता है? +1 में. +1 किस, कौन सा? N2O में. फिर हो सकता है +2 किस में? NO में. आप देख रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की. फिर +3 किस में हो सकता है? ये NF3 में, या फिर N2O3 में, या फिर HNO2 में, सब में +3 है. एंड देन फाइनली +4 NO2 में, और देन फिर +5 N2O4 में, HNO3 में, एटसेट्रा N2O5 में, सॉरी. तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम -3 से कहाँ तक पहुँच गई है? +5. यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत वेरिएशन हो रहा है, जबकि ग्रुप 13-14 में ऐसा कुछ नहीं था. जो हमने हाईएस्ट डिसाइड कर ली वही हाईएस्ट थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है.
ठीक है, तो माइनस थ्री जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, सारे कंपाउंड्स याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कौन से कंपाउंड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। ऐसा पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो माइनस थ्री, तो ऐसे दिमाग में नहीं, नाइट्रोजन तो प्लस फाइव मैडम ने बोला था, प्लस फाइव होता है, माइनस थ्री भी होता है, एच थ्री में होता है। तो कंपाउंड्स को के साथ कंफर्टेबल रहना है, कंपाउंड्स को ध्यान रखना है कि किस कंपाउंड में किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने बात करी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हो तुम, किसके रिस्पेक्ट में? नहीं भैया, भाई स्टेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी एक कंपैरेटिव पैरामीटर है बेटा। अनस्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ बनेगी नहीं, और स्टेबिलिटी का मतलब ये चीज़ नहीं होता कि बस हाँ यही है दुनिया में और कुछ नहीं है। तो टू होम यू आर कंपेयरिंग, इफ यू आर कंपेयरिंग N2O5 विद N2O3, N2O5 वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज नाइट्रोजन के प्लस थ्री से प्लस फाइव बेटर है, समझ रहे हो? तो ऑक्साइड ऑक्साइड में कंपेयर करोगे तो N2O5 स्टेबल होगा। अब तुम बोलो मैडम अमोनिया और इसको कंपेयर करो, नहीं कर सकती। अमोनिया एक वेल नोन स्टेबल कंपाउंड है, वैसे N2O5 भी है, तो सारी चीज़ इतनी सिंपल होती केमिस्ट्री में तो क्या बात होती। ये बायो थोड़ी है कि यही होता है बस, ना ये मैथ्स है कि एक फॉर्मूला लगा दो चार जगह। हमारे पास ना एक फॉर्मूला, ना हमारे पास कुछ और, हमारे पास हर एक चीज़, हर एक कदम एक नया कॉन्सेप्ट। तो ऐसे मुझसे मतलब अब मुझसे क्या, किसी से भी और अपने आप से भी ये सवाल ना करें कि कौन स्टेबल। जब ये सवाल दिमाग में है कौन स्टेबल, तो पहले पूछो किसके हिसाब से, किसके कंपैरिजन में। तो अगर तुम बोलो मैडम आपकी हाइट छोटी है, तो मैं बोलूँगी मैडम भैया किसके हिसाब से, मेरे छोटे बच्चे के हिसाब से तो मेरी हाइट बड़ी है, हाथ को छः फुट का लेकर आओगे तो भैया मेरी हाइट छोटी है। तो ये सारे पैरामीटर्स क्या है, कंपैरेटिव। तो सवाल करने से पहले ये बताएं कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। बिना किससे कंपेयर करे हम कोई एक डेडलाइन नहीं दे सकते कि हाँ यही स्टेबल है और इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री में। ठीक है, चलें आगे। अब आगे चलते हैं, हम लोगों ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख लिए। बेटा एक ट्रिक बताना चाहूँगी मैं, वो क्या है, जैसे सपोज मैं N2O की बात कर रही हूँ, ठीक है, N2O की जो प्रिपरेशन होती है वो अमोनियम कंपाउंड्स को हीट करके हमें मिलता है। ठीक है, याद रखना अ सिंपल ट्रिक फॉर पी ब्लॉक। इससे जेई में तो भयंकर लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी और मेंस में भी, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ सवाल आते हैं। सवाल क्या आता है सुनेंगे ध्यान से, चार ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है इन सब के डीकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस किस में निकलेगी, इन सब की डिकम्पोजिशन से N2O किस में बनेगा, इन सब की डिकम्पोजिशन से NO किस में बनेगा। चारों ऑप्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के होते हैं, अमोनियम कंपाउंड स्पेशली। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, आपके पास अमोनिया का कोई भी कंपाउंड है, आप अमोनियम नाइट्रेट लीजिए बच्चे, आप अमोनियम नाइट्राइट लीजिए, आप अमोनियम डाइक्रोमेट लीजिए, एनी कंपाउंड ऑफ अमोनिया यू टेक, जब आप इसको हीट करके इसका प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए रटना नहीं है, सिंपल सा सोचेंगे कि इनमें से मैक्सिमम वाटर हम कितने निकाल सकते हैं। पहले हम उसमें से मैक्सिमम वाटर निकालेंगे, आपको तुरंत समझ आ जाएगा ये क्या प्रोडक्ट देने वाला। देखिए यहां से शुरुआत कर रही हूं, सबको नजर आ रहा है बोर्ड पे भाई कितने है, चार, ऑक्सीजन कितने हैं तीन, H2O निकालना है, H2O में दो H और एक ऑक्सीजन। तो अगर ऐसा करूं मैं, सपोज तीन ऑक्सीजन ले दी तो तीन वाटर अगर मैं देखती तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, छः तो नहीं है, मतलब दो वाटर मैं मैक्सिमम निकाल सकती हूं। तो जब दो वाटर निकालूंगी तो चार H गए, देखना इसको ऐसे लिख रही हूं, दो वाटर निकाला तो चार H गए, दो ऑक्सीजन गए तो ऑक्सीजन कितना बचा एक, और दो नाइट्रोजन बचे तो मतलब क्या बना साथ में N2O बन गया, प्रिपेयर हो गया, तुरंत पता चल गया। कोई भी अमोनियम कंपाउंड में से सिर्फ क्या निकालना है, मैक्सिमम वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में बताओ जल्दी जल्दी फटाफट जोर से, ये चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन कितने वाटर निकालोगे, दो, तो दो वाटर निकाले तो क्या बना नाइट्रोजन गैस। तो अगर सवाल आए इनमें से कौन डीकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस देता, तो कौन देगा, अमोनियम नाइट्राइट, समझे, कौन डीकम्पोज करके N2O देता है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इधर आ जाओ ध्यान से,
हाइड्रोजन कितने? 8। 7 कितने? ऑक्सीजन। मैक्सिमम वाटर कितने निकाल सकते हो? 4। अगर 4 निकालोगे तो 8 हच गए और 3 ये बच जाएंगे, है ना। तो 4 पानी निकाला तो एच सारे गायब। ऑक्सीजन कितने बच गए? 3। तो Cr2O3 निकाल दो, क्रोमियम का ऑक्साइड, वो हो गया। और फिर कितने नाइट्रोजन बचे? 2 नाइट्रोजन गैस यहां से भी मिलेगी। तो अमोनियम ड्राइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन गैस देगा, अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन गैस देगा, जबकि अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन क्या दे देगा? N2O। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर JEE पॉइंट ऑफ व्यू। अब तो मेडिकल में भी आ सकता है क्योंकि एम्स वेम्स भी पूछते रहते हैं। हाईली इंपॉर्टेंट कौन सा पेपर है? 2018-2019 JEE एडवांस दोनों साल यही सवाल आया है। 2018 में मतलब ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, कौन कौन नाइट्रोजन गैस देगा, मोर देन 1 करेक्ट था, चेक करना था। 2019 में भी सेम सवाल आया था, बट उसमें शायद नाइट्रोजन ना पूछ के उन्हें अमोनिया या N2O कोई पूछ लिया था। तो ऐसे ही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लेते रहो, उनमें से सिर्फ मैक्सिमम क्या निकालते रहेंगे? पानी। और सब निकालेंगे कि मेन कंपाउंड हमें क्या मिल सकता है। बोलो बात सही है, हाँ या ना? ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट दे दे बेटा तो क्या करोगे? कार्बोनेट में एक CO2 भी निकलता है, वो तो मतलब एक पता ही है ना, कार्बोनेट सा मतलब CO2, तो CO2 तो निकालो ही निकालो, बाकी फिर पानी निकालो। CO2 जब निकाला तो एक OH बचा और H कितने अपने पास? 8। एक OH है तो 2 ही निकल सकते हैं, तो 2 मतलब नहीं, एक ही निकल सकता है ना। तो ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, हाइड्रोजन कितने थे? 8। 8 में से कितने निकल गए? 2। 6 बचे और नाइट्रोजन कितने है? 2। तो 2NH3 नहीं निकल जाएगा? N2H6 is what? NH3, है ना। तो 2NH3, तो यहां से भी हमें क्या मिलेगा? अमोनिया। तो अमोनियम का कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज करके क्या निकालो? पानी। और चेक करो कौन सा गैस मिल रहा है, N2O मिल रहा है, NO मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है भैया, रिएक्शन रटने से मतलब नहीं है। पी ब्लॉक सबसे आसान चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, बस शर्त यह है कि आपको देखो तुम स्कूल का एग्जाम तो देने नहीं जा रहे, है ना। स्कूल का दोगे तो ये सारे रिएक्शंस को बैलेंसिंग के साथ रट लेना, ऐसे रट लेना। अमोनिया को ऐसे ऐसे करके प्रिपेयर किया जाता है, NO2 को ऐसे करके। वी आर नॉट गोइंग स्कूल एग्जाम, व्हाट वी आर फोकस्ड इज, और मुझे उसमें सिर्फ कैसे भी करके प्रोडक्ट पता करना है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यही शॉर्टकट ट्रिक है। या फिर पी ब्लॉक से सवाल आ सकता है, ये कंपाउंड बनता है नहीं बनता उसका रीजन बता दो, बॉन्ड एंगल बता दो। इससे ज्यादा पी ब्लॉक से कुछ आता नहीं, सबसे आसान सबसे स्कोरिंग टॉपिक। आई एम क्लियर टिल नाउ? रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो।